हेलो नमस्कार, स्वागत है आपको फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन क्रिकेट प्रेडिक्शन में। तो जी हां, आज हम बात करने वाले हैं न्यूयॉर्क स्ट्राइकर वर्सेस मॉरिसबेल सैम पार्मी के बारे में। तो यह मुकाबला जो है शाम आपको 7:45 में खेला जाएगा। T10 लीग में यह दोनों टीम जो है आज 7:45 में टकराएगी, जो कि मैच ही उतना इंपॉर्टेंट होने वाला जितना कि हमारा वीडियो। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम देंगे आपको पूरी जानकारी। और हमारा टेलीग्राम लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। तो चलिए आगे हम बात करेंगे इन दो टीमों के बीच। जैसा कि देखा जाए तो इन दो टीमों के बीच में अभी कोई मुकाबला हुआ नहीं है। ये दो टीम जो है कि पहली मुकाबला आपस में खेलेगी। तो यहाँ पे जो है दोनों टीम न्यू है एक दूसरे के लिए और पिच के लिए। तो पिच पे जैसे MSA जो है पिछला मुकाबला भी जीती है, और जो है NYS मतलब न्यूयॉर्क स्ट्राइकर वो भी पिछला मुकाबला किसी और की टीम के साथ हारी है। लेकिन ये दोनों टीम जो है आपस में पहली बार मिल रही है, तो देखने के लिए बहुत ही दिलचस्प होगा मुकाबला। तो वीडियो में आप बने रहें और हम देंगे आपकी पूरी प्रिडिक्शन। तो वहीं अगर इन दो टीमों के बीच अगर हेड टू हेड हम तीन मैचों की अगर कंपेरिजन करते, क्योंकि इन दो टीमों के बीच अगर 10 मैच की बात करें तो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन तीन मैच की अगर हम कंपेरिजन करें तो जिसमें NYS यानी न्यूयॉर्क स्ट्राइकर जिसकी विनिंग परसेंटेज 66 है, वही MSA उसकी विनिंग परसेंटेज 100 है, मतलब 100% वो विन करती है। वहीं अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो NYS की एवरेज स्कोर जो 107 है, वहीं MSA की एवरेज स्कोर 100 है। यही अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 112 है। और तो यहाँ पे NYS जो है आपको एवरेज स्कोर हाई स्कोर में आपको आगे दिख रही है, और दूसरी टीम जो है सारा चीज़ में पीछे, भले उसकी विनिंग परसेंटेज 100 क्यों ना हो। तो चलिए अगर आगे बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, तो फर्स्ट बैटिंग की अगर बात करें तो इस पिच पे जो है 15 मैच के अनुभव के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो पहले बैटिंग करती है टीम वो 33% जीत रही है, और जो पीछे से बैटिंग करती है टीम वो 67% जीत रही है। यानी कि पीछे से चेस करके जीतना काफ़ी आसान है, और जो पहले बैटिंग करती है उसको जीतना थोड़ा मुश्किल है। आगे हम बात करें वही पिच की, तो पिच पे फर्स्ट एवरेज इनिंग की एवरेज स्कोर माना जाए तो 115 है, वहीं सेकेंड इनिंग की एवरेज स्कोर माना जाए तो 102 है। आज के मुकाबले में भी लगभग आपको 120 या 122 के आसपास आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है, तो आप उस हिसाब से ध्यान में लगा लीजिएगा। बेस्ट प्रेडिक्शन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाईएस्ट स्कोर की अगर हम बात करें तो 140 रन है इसकी हाईएस्ट स्कोर। वहीं अगर आपको टॉप पिक की अगर बात करें तो जॉर्डन आपको टॉप पिक हो सकते हैं, जिसकी फोटो हम आपको डिस्प्ले पे दिखा रहे हो। क्यों टॉप पिक होंगे? क्योंकि उनका जो पिछला कुछ मैच का स्कोर और विकेट्स है वो काफ़ी बेहतर है, तो आप उसको देख सकते हैं। वहीं अगर दूसरे टॉप पिक की अगर बात करें तो करीम आपके हो सकते हैं दूसरे टॉप पिक, जिनकी भी आपको मैं फोटोज़ के साथ आपको डिस्प्ले पे शो करवा रहा हूँ। भले ही इन्होंने अभी तक मैच में विकेट नहीं लिया है, एक ही मैच में एक विकेट लिए, लेकिन ये आपको अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो रन एवरेज है वो बहुत ही कम है। वहीं अगर इस पिच पे और थोड़ी सी बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो जिसमें पेस बॉलर को काफ़ी मदद मिलता है, और पेस बॉलर जो 61 विकेट ले रहे हैं, वहीं स्पिन बॉलर सिर्फ 20 विकेट ले रहे हैं। तो आज के जो मैच में आपको पेस बॉलर भी मदद करेंगे इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि पेस बॉलर का पिच रहेगा, पिच पे कोई नमी नहीं है, इसके कारण पिच पे पेस बॉलर का दबदबा रहेगा। तो चलिए अब हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो है पिछले मैच के मुकाबले सेम रहेगी, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हम आपको डिस्प्ले पे दे रहे हैं, आप आराम से प्लेइंग 11 को देख लीजिए। बेस्ट प्रेडिक्शन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर हम बात करते हैं आगे ड्रीम 11 को, तो ड्रीम 11 की टॉप पिक और ड्रीम 11 की प्लेयर लिस्ट आपको हम डिस्प्ले पे शो करवा रहे हैं, आप उसको भी ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।